जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी संपूर्ण पूजन विधि। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर शरीर पर तेल या उबटन लगाकर मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय के उदय होने के बाद नहाता है, उसके द्वार पर पूरे वर्ष भर में किए गए शुभ कार्यों के फल नहीं प्राप्त होते हैं। सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद दक्षिणा मुख करके हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करें। ऐसा करने से व्यक्ति के द्वारा किए गए वर्ष भर के पापों का नाश होता है। इस दिन विशेष पूजा की जाती है जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम एक थाल को सजाकर उसमें एक चौमुखा दिया जलाते हैं तथा 16 छोटे दीप और जलाएं। तत्पश्चात रोली, खीर, गुड़, अबीर, गुलाल तथा फूल इत्यादि से इष्ट देव की पूजा करें। इसके बाद अपने कार्य स्थान की पूजा करें। पूजा के बाद सभी दियों को घर के अलग अलग स्थानों पर रख दें तथा गणेश एवं लक्ष्मी के आगे धूप दीप जलाएं। इसके पश्चात संध्या समय दीप दान करते हैं जो यम देवता यमराज के लिए किया जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो प्रभु को पाता है। ज्योतिषचार्य ने बताया कि नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों से प्रत्येक नाम से तिल युक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तर्पण कर तभी पुरुषों को करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता या गुजर चुके हों या जीवित हों। फिर देवताओं की पूजा करके शोक के समय यमराज को दीपदान करने का विधान है। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है उसके मन के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है।